मैं हूं आपके साथ आलोक। खबर कानपुर से बड़ी, जहां पर पीयूष जैन के खिलाफ ठंडी पड़ी एजेंसियां। 200 करोड़ कैश, 25 किलो सोना घर से मिला था। और उसके बाद देखिए, जांच एजेंसियों ने जैन का मामला ठंडा कर दिया। इनकम टैक्स वालों ने अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। जैन की बेनामी कैश पर अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। शिखर पान मसाला वालों का करियर है पीयूष जैन, और शिखर पान मसाला वालों पर भी कोई शिकंजा नहीं कसा है। घर से विदेशी सोना मिला है, लेकिन कस्टम एक्शन से बचता नजर आ रहा है। तो कानपुर में इनकम टैक्स की जांच विंग संदेह के घेरे में है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए इनकम टैक्स की जांच विंग संदेह के घेरे में नजर आ रही है। शिखर पान मसाला और जैन को आखिर कौन बचा रहा है? पीयूष जैन का रॉब भी जरा देखिए, तो अंडरग्राउंड है अभी पीयूष जैन और शिखर पान मसाला और जैन को आखिर कौन बचा रहा है? जेल से निकलने के बाद से अंडरग्राउंड है पीयूष जैन। तो लेकिन अब तक अंदाजा लगाया जा सकता है, सीधा सा सवाल, 200 करोड़ रुपए और सोना, इतना सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं भी कोई जांच एजेंसियां देखिए किस तरीके से कोई सवाल नहीं उठ रही। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, और जेल से निकलने के बाद से अंडरग्राउंड है पीयूष जैन। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता विवेक माने से। विवेक, पीयूष जैन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि 200 करोड़ कैश और 25 किलो सोना मिलता है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? सीधा सा सवाल। देखिए आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों से एक चीज तो निकल कर सामने आती है कि जितना जिसके पास पैसा हो और रसूख हो, अगर आपके पास पैसा और रसूख दोनों ही हैं, तो आपका कोई बाल नहीं है। पास देश की सबसे बड़ी यहाँ पर करेंसी 200 करोड़ रुपए और 25 किलो सोना मिला, उसके बावजूद यहाँ पर न जाने कितनी जांच दूर दूर से विवेक, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। जरा आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही है, आप किसी ऐसी जगह पर आइए जहां पर प्रॉपर नेटवर्क हो, ताकि हमारे दर्शक भी आपकी आवाज सुन सकें कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जेल से निकलने के बाद से अंडरग्राउंड है पीयूष जैन, तो सुस्त पड़ी जांच एजेंसियां, कौन बचा रहा है बड़ा सवाल, और रुतबा किस तरीके से पीयूष जैन के खिलाफ। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो सुस्त पड़ी हैं, क्यों सुस्त पड़ी हैं, कौन बचा रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन 200 करोड़ और 25 किलो सोना मिलने के बाद भी जांच एजेंसियों पर सवाल उठना लाजमी है। शिखर पान मसाला का करियर है और जांच एजेंसियां सुस्त पड़ती नजर आ रही हैं। शिखर पान मसाला पर भी कोई शिकंजा नहीं है, तो संदेह के घेरे में इनकम टैक्स की जांच है, तो अब जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जब निकल रहा था उस वक्त, जब पीयूष जैन कोर्ट की कार्रवाई के बाद, उस वक्त जो तल्ख तेवर थे, जो टशन था, वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक बात करें, विवेक, तो पीयूष जैन को लेकर के जब कोर्ट की कार्रवाई के बाद जब निकल रहा था, वो टशन भी साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कोई चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास है कि इसका मतलब कोई आका जरूर है जो बचा रहा है। देखिए आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके पास पैसा और रसूख दोनों है, उसका कोई बात नहीं कर सकता। इसका जीता जाता उदाहरण जो है पीयूष जैन है, जिसके पास लगभग 25 किलो सोना मिला और 200 करोड़ रुपए की करेंसी मिली। कई दिन लगे इस करेंसी को गिनने में, कई टीमें आई, वो आयकर की टीम हो या कस्टम की टीम हो या कहीं की भी बाहर की भी टीमें आई, कई जांच के बाद जेल भी भेजा गया, लेकिन जल्दी सोने के मामले में इनकी जमानत हो गई। विदेशी सोना था, उस पर किस तरह से इसकी जमानत हो जाती है, 200 करोड़ रुपए की भी जमानत हो गई, और इतने रसूख से वो जेल से निकल कर आया, लग्जरी गाड़ियां आई, कई लोगों का उसको लेने के लिए ऐसा लगा कि कोई विधायक जो है। बिल्कुल, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, रसूख साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह कि अब किस तरीके की कार्रवाई